हेलो दोस्तों, अभी हम लोग UPPCS 2019 के पेपर का आंसर देखेंगे। इसमें लगभग 140 प्रश्नों के सही आंसर होंगे। कुछ प्रश्न इसमें गलत भी हैं तो उनको हम छोड़ देंगे और कुछ और प्रश्नों को छोड़ देंगे। 140 प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम आठवें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहले सारे प्रश्नों को करेंगे लेकिन थोड़ा प्रश्न इधर से उधर हो गए हैं, तो आठवां प्रश्न देख लेते हैं हम। आठवां प्रश्न क्या था कि विच जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट के ऊपर था, तो ये आप सभी जानते हैं कि GSLV मार्क 3 के द्वारा ये छोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ए है इसका आंसर ए। उसके बाद है सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, ये सभी आप जानते हैं, और नोएडा में हुआ था और इसका प्रयोग प्लास्टिक के कचरे से हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, दोनों ही सही है। ठीक है, किसका रक्त सफ़ेद होता है, ये तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद होता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दालों की जड़ों के साथ करते हैं, तो ये उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो था, ट्रिकी था, कि जब किसी साबुन के बुलबुले वाला था ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है, जब आवेश प्लस का दिया जाता है तो सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, जब निगेटिव आवेश होता है तो शायद सरफेस एरिया थोड़ा सा घट जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था। तो आपको बता दूं कि ऑक्सीटोसिन, एस्पार्टेम और नियोप्रीन दोनों सही हैं एकदम, रेयोन गलत है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। रेयोन वाला डी ऑप्शन सही, इसका गलत है। 14वां क्वेश्चन का प्रोटीन नहीं है, कपास एक प्रोटीन नहीं है, सेलुलोज होता है, ये आप सभी जानते हैं। मैंने भी बताया था कि थोड़े प्रश्न इधर से उधर हो गए हैं, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। IMF के नव नियुक्त जो प्रबंध निदेशक हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिया हैं ये, इसका ए ऑप्शन सही है, क्रिस्टालिना जॉर्जिया। फिर है सेकंड क्वेश्चन है, जो ध्रुव ये अभियान चलाया गया था, मैं आंसर ही डायरेक्ट बताता चल रहा हूँ आपको, और ये बिल्कुल रीचेक कर किया गया हुआ है, इसमें कोई गलती की कोई संभावना नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही है। फिर है नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन जो था इसका ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही है इसका आंसर, डी है। फिर है अर्थशास्त्र वाला नोबेल पुरस्कार वाला प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, एस्थर डुफ्लो को ना पूछ के इन्होंने पूछा था कि दूसरी कौन सी ऐसी महिला है जिनको पहली बार मिला था, तो ये है एलिनार ऑस्ट्रोम है, डी ऑप्शन सही है। फिर है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो 2019 से 2024 तक सभी घरों में जल पहुँचाना है, टैप्ड वाटर, इसका डी ऑप्शन सही था। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में है, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट प्रश्न, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता वाला ये लक्ष्य था, तो ये 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है भारत के लिए, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। अब 130वां मैंने बताया कि थोड़ा प्रश्न इधर उधर हो गए हैं, 130 प्रश्न करेंगे हम अभी, सारे प्रश्न करेंगे एक एक करके, लेकिन 130 क्वेश्चन आ गया है, 130 के देख लेंगे। एकता व्यवस्था वाला ऑप्शन इसमें शायद डी ऑप्शन सही, देखिए इसमें पूरा कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे ऐसा लगता है कि डी ऑप्शन इसका सही है। अगर आपको सही मालूम होगा तो जरूर बताएं इसका कमेंट बॉक्स में। फिर है तारीख है फिरोजशाही और ये कुछ किताबें थी, तो इसका मैं बता दूं कि तारीख है फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी की है, बिल्कुल सही है, लेकिन शमसे सिराज अफीक की भी है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, इब्न बतूता की तुगलकनामा नहीं है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। फिर कुछ आंदोलन है उसका कालक्रम दिया गया था, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। फिर है सांप्रदायिक निर्णय 1932 में दिया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सांप्रदायिक निर्णय वाले का ऑप्शन हो जाएगा डी। 126 जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित जो प्रश्न था, इसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट था, इसका मुझे लगता है कि डी ऑप्शन सही होगा, इसका तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हो सकता है ये गलत भी हो, 100% कंफर्म नहीं है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है अकबर और शेरशाह से संबंधित कुछ प्रश्न थे, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, एसर्शन रीजन दोनों सही है। फिर आता है सरनाल, बिलग्राम, धर्मट और जजाऊ का युद्ध, मैंने लिख रखा है सन, सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था, बिलग्राम का 1540 में, धर्मट का 1658 और जजाऊ का 1707 में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हठ योग वाला जो क्वेश्चन था, इसके दोनों ऑप्शन सही हैं।
फिर 145 क्वेश्चन, थोड़ा प्रश्न इधर उधर हो गए हैं, प्लीज़ इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय वाला जो प्रश्न है इसका दोनों ही ऑप्शन सही है, बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची वाला, आप सभी जानते हैं आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को छोड़ के बाकी जितने भी है वो पाँचवीं अनुसूची में है और बाकी ये सब छठी अनुसूची में, तो इसका त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिषेध वाला, ये सी ऑप्शन सही है इसका, प्रतिषेध का सी ऑप्शन सही है। धन विधेयक के बारे में ये था, तो 110 में परिभाषा दी गई है, 109 में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये दिया गया है, 111 में राष्ट्रपति की जो सहमति होती है उस पे होता है, हस्ताक्षर वाले से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा बी सही। फिर है प्रधानमंत्री द्वारा जो सीमा पार तेल पाइपलाइन बिछाई गई थी, तो मोतिहारी के नेपाल के आमलेखगंज से बिछाई गई है। फिर यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने की जो वो अभी सम्मेलन हुआ था 43वां, वो बाकू अजरबैजान में हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था, इसका ये ऑप्शन सही है। अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन था कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसको चेंज किया गया, तो इसका 1976 है आंसर, एक बार आप रीचेक कर लेंगे, 1976 ही है वैसे है इसका आंसर। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था, दो कथन दिए गए हैं, उनका सही गलत बताना था या किस तरह से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद, इसका शायद डी है, ए गलत है, इसका शायद डी है, ये भी कन्फर्म नहीं है, इसको एक बार रीचेक कर लेंगे, डी है इसका। नेक्स्ट है ये, इसका दोनों ही सही है, भारतीय संविधान के अंदर राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, और इसको अगर वकालत आप करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सुरक्षा तो मिलेगी, तो इसका वैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तो हर चीज़ में सुरक्षा मिलती है, तो ये कोई वो नहीं था सोचने वाला प्रश्न, सी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें जो बाकी सब सही हैं, जो सी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा वो तृतीय अनुसूची में दिया गया, तीसरी अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है, 144। फिर है कुछ घटनाएं थी उनका कालक्रम में उनको संयोजित करना था, तो साइमन कमीशन 1927, जालियांवाला बाग 1919, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 और फिरोज शाह के मृत्यु का तो पता नहीं था, लेकिन ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 135 का ए, 135 ए सही होगा। INA के अधिकारियों पर कहाँ चलाया गया था मुकदमा, लाल किले में चलाया गया था मुकदमा। फिर है बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारिंग हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, लेकिन उनके जो अध्यक्ष थे वो क्या कहते हैं विलियम जोन्स थे, तो इसका सही आंसर तो दोनों ही है, लेकिन कोई कथन व्याख्या नहीं करता है, तो इस हिसाब से बी इसका आंसर होना चाहिए सही। राष्ट्रीय पंचांग वाला जो क्वेश्चन था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, ना कि विक्रम संवत पर, और इसका 1950 में अपनाया गया, तो इसका केवल दो ऑप्शन सही है, बी, बी ऑप्शन सही है इसका। 120th क्वेश्चन है, हिंद महासागर से संबंधित प्रश्न था, तो इसका एसर्शन और रीजन दोनों ही इसका सही है, कथन और रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी है इसकी सही। पहाड़ियों का कुछ वो था पश्चिम से पूर्व की तरफ करना था इन पहाड़ियों को, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सतपुड़ा महादेव छोटा नागपुर और मैकाल पहाड़ियाँ, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में बिल्कुल सही है, और अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र वस्ती थे, इसका दोनों ही रीजन और एसर्शन दोनों ही सही है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, देखिए इसका आंसर तो नहीं मिल रहा है, अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, या कोई सजेशन देना हो तो भी दे सकते हैं आप कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है। एक 124 का दामोदर है, इसका आंसर दामोदर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े शिकारों की भूमि, इसको उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश है, इसका बी ऑप्शन सही है, इसका उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं कुछ कैपिटल थी, ये सभी आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान की कहाँ है, उज्बेकिस्तान की क्या आता है ताशकंद है, ताजिकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की असगाबाद, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
वनस्पतियों से संबंधित एक सूची थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर 119 कुछ थी जनजातियां, उनका निवास स्थान बताना था, तो एनू का जापान है, किर्गिज सूडान में बस नहीं होते हैं, तो ये किर्गिस्तान में होते हैं, तो इसका आंसर डी, ये डी गलत है। 111 इसका भी कोई आंसर मिल नहीं पा रहा है, इसका अगर आंसर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर है 112 का, ये समान स्थिति बेरोजगारी है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित प्रश्न था, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, सी सही है। अब ये था एक कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये मॉरिस डी मॉरिस का है, ये मॉरिस डी मॉरिस ने विकसित किया है, ये मॉरिस डी मॉरिस, ए ऑप्शन सही है इसका। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक में 100वां स्थान था 2017 में, इस बार 102वां है। नेक्स्ट था ये वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र से, तो इसका भी कोई आंसर सटीक मिल नहीं पाया है, तो कोई गलत आंसर बताने का फायदा नहीं है, इसका आंसर आप अगर जानकारी हो तो आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है, रीचेक किया हुआ है, सी ऑप्शन सही है इसका। भारत की महिलाओं के संबंधित दो ऑप्शन थे, तो इसमें श्रम की भागीदारी की दर में गिरावट नहीं आई है बल्कि और बढ़ी है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका ए गलत है। एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं एक बार से, सॉरी। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, गिरावट नहीं आई है बल्कि बढ़ी है, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस दर में, तो ये भी गलत है। देखिए दोनों गलत ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका ये तो कन्फर्म गलत है, अगर शिक्षा बढ़ेगी तो उसमें जो श्रम में भागीदारी घटेगी या बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी, तो ये तो गलत हो गया, तो यही एक ऑप्शन है जो सही है, आर गलत है, नहीं सी है। निर्भरता अनुपात, इसका आप सभी जानते हैं, 15 से 59 वर्ष के लोग जो इनडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर उनकी अधिक होगी तभी रेशो घटेगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसका कन्फर्म है सी होगा, इसका सही सी है। फिर है सतत विकास लक्ष्य वाला था कि पानी की उपलब्धता कब तक वो है, तो SDG 7 का है ये, ठीक है, इसका आंसर बी होगा, 7 है इसका आंसर। धुएं वाला क्वेश्चन था, तो इसका नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं इसमें। वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, इसका आंसर होगा सी, श्याम विवर, वो ब्लैक होल किसको कहते हैं, तो ये सिमट गया तारा एक होता है, डी है इसका। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट है। सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग है इसका आंसर। लघु उद्योगों के लिए देखिए इसका भी कोई आंसर नहीं मिल पाया, आप सभी जानते हैं ये भी प्रश्न थोड़ा सा अजीब था, तो इसका आंसर भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में, तो इसका सी ऑप्शन सही है इसका। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका क्योटो प्रोटोकॉल, ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से संबंधित था, तो इसका ये ऑप्शन गलत है। एसर्सन रीजन का क्वेश्चन था ये तितलियों के संबंध में, तो ये क्वेश्चन इसका ए सही है। पारिस्थितिक तंत्र में एक सिस्टम से दूसरे लेवल तक जाने में ऊर्जा घटती है, ये आप सभी जानते हैं, तो बहुत साधारण क्वेश्चन था। नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नील हरित सवाल, जिसमें नोस्टॉक एनाबीना ये सब आती हैं। प्रकाश ऊर्जा का ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है, बताने की जरूरत नहीं है। एंजाइम के संबंध में ये दोनों ही सही है, देखिए एंजाइम जहाँ पर सिक्रीट होते हैं वहीं पर ये वर्क करते हैं, हार्मोन जहाँ पर सिक्रीट होते हैं उसे कहीं दूर एक्शन होता है उनका, तो इसका सी ऑप्शन सही है, दोनों ही सही है। माँ के दूध में लोहे की कमी होती है, ठीक है। अच्छा इनका देखिए कंफर्म नहीं है ये आंसर, इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं है इसका आंसर, 93 में डाउट है, सी ऑप्शन लेकिन इसका सही है, मुझे ऐसा लगता है सी सही है। बिब्लियोमेट्री वाला था, इसका ए ऑप्शन सही है। फिर एल्बिडो से संबंधित,
ये रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, जितना कितना ज़्यादा आप रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट जो आती है उससे एल्बिडो संबंधित होता है। मानव आहार में ये चावल वाला था, इसमें बेरी बेरी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये है, धान की चोकर में विटामिन ई होता है, ये ध्यान रखेंगे, धान की चोकर में विटामिन ई होता है ना कि विटामिन B6। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन सही है। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन था ये, इसमें ए सही है आर गलत है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, ये गलत है, बाकी सही है। इसमें भी डाउट है, मुझे लगता है कि इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, मुझे लगता है इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। ये है 88 में था कि कुछ केमिकल थे वो किस में यूज होते हैं उनके संबंधित प्रश्न था, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ये 100% सही है कि इसका बी ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हवा में खुले में रखने पर कुछ समय पश्चात जो चीज़ गायब हो जाती है यानी कि वेपराइज हो जाती है उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन इसका सही हो जाएगा। बुकर प्राइज विजेता, ये मैंने अभी कल ही परसों वीडियो अपलोड की थी जिसमें बर्नार्डिन एवरिस्टो और ये इनकी बुक थी मार्गरेट एटवुड की, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, तो इसके बर्नार्डिन एवरिस्टो हैं ये बुक, गर्ल वीमेन अदर। विश्व महिला एकल बैडमिंटन में नाजोमी कुहारा को हराया था, पहली बार जीती हैं ये पीवी सिंधु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में किस कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया था, तो मांग देछू विद्युत परियोजना। इसका भी कोई आंसर नहीं मिल पाया है, इसका आंसर आप सजेस्ट कर सकते हैं। 82 का सिक्किम होगा, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है सिक्किम। पैरा एथलीट दीपा मलिक गोला फेक है, याद रखेंगे, शॉर्ट पुट से संबंधित है इनका। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में नहीं हुआ था। 162 आर्टिकल 162 क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अच्छा किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है, तो मार्कंडेश्वर है ये। ये एक सूची दी हुई है, ये भी आंसर नहीं मिल पाया है, इसका भी आंसर आप सजेस्ट कर सकते हैं चाहे तो। ये इसका आंसर बेनिन है, बेनिन में एक उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है। नीति आयोग का जो नवाचार सूचकांक था ये कर्नाटक है इसमें पहले नंबर पे। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, ये हियर ने कहा था। महाराजा हरि सिंह से संबंधित एक प्रश्न था कश्मीर के विलय को लेकर, तो इसका ऑप्शन था सी 1, 2, 3, 4। फिर एक असर्शन रीजन का था, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित था ये प्रश्न, तो इसका भी आंसर ए है, असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, 21 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, तो 43 ये ऐड किया गया है उससे। राज्य के नीति निषेधक निदेशक तत्वों से संबंधित है ये। प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है, ये लागू नहीं किया जा सकता है, एनफोर्सेबल नहीं है ये। मुस्लिम लीग वाला था सी आर फार्मूला, राजगोपालाचारी जी ने दिया था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स ये बिपिन चंद्रा की बुक है, इसका है नीति निदेशक तत्व वाला था, तो इसमें मूल कर्तव्यों में भी ये शामिल है और नीति निदेशक तत्वों में भी शामिल है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायतों से संबंधित प्रश्न था, ये प्रश्न बहुत ही अजीब था, इसका मुझे लगता है कि सारे इसके तीन भी कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका मुझे लगता है कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये प्रश्न मुझे गलत लग रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें अगर सही है कोई ऑप्शन तो आप बता सकते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन का संबंध मनरेगा से है। इसका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, तो इसमें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शायद नहीं है, बाकी सब है।
लेकिन ये डाउट है, ये क्वेश्चन में भी डाउट है, अभी संदेह है इसमें भी। मनसबदारी व्यवस्था से ये आपको बता दूं कि पैतृक नहीं था, यानी कि केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, इनसे ये सब प्रश्न था, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ घटनाएं थी उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, गांधी इरविन इनो से 31, क्रिप्स मिशन 1942 में, ये सब आप जब भी जानते हैं, तो ये इसका सी ऑप्शन सही था। आसान प्रश्न था ये, सी ऑप्शन सही है। 1905 का में जो हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जो किया था, बंगाल को डिवाइड किया था, तो उससे संबंधित प्रश्न था, तो ये इसका दोनों सही है। का ए है सही, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं थी, उनसे संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। 54 का है ए, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया था, भाटा के रामचंद्र सिंह ने दिया था, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी आसान था। पल्लव, पांडव, यादव, काकती, इनकी कहां राजधानियां थी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का ये बी ऑप्शन है। अच्छा ये बता दो, ये डी है, ये डी सीरीज की बुक है, बुकलेट है, बी है ये इसका आंसर, ये कंफर्म है, रीचेक किया गया हुआ इसका, ये बी ही कंफर्म है, ठीक है, और कुछ पे आप कमेंट नहीं करेंगे इसमें। कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, तो गुरला, मंधाता, ये एवरेस्ट को ही कहते हैं, तो ये भारत में अवस्थित नहीं है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट नहीं है देखिए, ठीक है। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में बारिश होती है, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु और साउथ में बारिश होती है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है वो कम होती जाती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 का बी, लूनी नदी होना चाहिए, लूनी नदी होगा। मोरी बंद डेल्टा, इसका मालूम नहीं है मुझको, अभी फिलहाल तो मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। इसका है ए, कथन और रीजन दोनों सही हैं, गन्ना और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र से अधिक है, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिले सहकारी संघ की हैं, सही है। इसका जरीब होगा, देखिए ये एक जरीब होगा, कोई कर नहीं था ये, ठीक है। 43 डी होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, डी होगा। साइबेरियाई रेलमार्ग में अवस्थित नहीं है भैया, ये नहीं मालूम है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं चेक करके। इसका मिस्ट्रल होगा, ठीक है, कुछ पवन थी, देश से संबंधित थी, तो मिस्ट्रल यूरोपीय कंट्री से संबंधित, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट था कोयला क्षेत्र था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि सिंगरेनी, गोदावरी नदी में होते, तलचर, महानदी में होता है, ठीक है। पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके डी सारे ही सही हैं, डी ऑप्शन सही है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके चारों सही हैं, ठीक है, चारों सही हैं इसके आंसर। स्वेज नहर से उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का क्रम बताना है, आपको बताना है, ये सर्च करके आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है इसका। टेलीग्राफ पठार का भी आपको ही बताना है कि ये इसका कौन सा ऑप्शन, जैसा मैंने बताया कि 140 प्रश्नों का ही सही आंसर अभी मिल पाएंगे आपको, ठीक है, जैसे कल तक आपको इसके सारे के सारे 150 तक के 150 तक के प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, परिवार सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं करता, मृत्यु का पंजीकरण नहीं सम्मिलित करता, बाकी सब है। कुजनेट्स वर्क उल्टा यू आकार का होता है, ना कि वी आकार का, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर था, तो इसके दोनों सही हैं, कथन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बस सही नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मनरेगा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये शामिल किया गया है कि सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना है ये मनरेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित एक प्रश्न था, तो इसमें 18 वर्ष की आयु से अधिक सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया नहीं होती है, बाकी सब सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है।
ये 100%, ये पिछले बार पीसीएस में आया था क्वेश्चन, दीव मानव विकास सूचकांक से संबंधित एक प्रश्न था, तो इसका एसर्शन रीजन दोनों सही है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में ये तीनों ही सम्मिलित हैं, ठीक है, ये तीनों ही सम्मिलित हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 32वां आया था, तो इसका कंफर्म बी है इसका, ठीक है, बी कंफर्म है इसका। नागरिक पंजीकरण प्रणाली का देखिए 21 से 30 दिन के अंदर आपको पंजीकरण कराना होता है, 21 से 30 दिन के अंदर आपको कराना रहता है, तो इसका 30 दिन होगा, 30 दिन के अंदर आपको करा लेना है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, बी ऑप्शन सही है, इसका बी हो जाएगा। फिर है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है, ठीक है, तो सत्य नहीं पूछा था, तो यही ऑप्शन इसका हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन लाइकेन्स है, वायु प्रदूषण का जैविक सूचकांक, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये साइंस का, लाइकेन होता है, ये हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना था, तो पाश्चुरीकरण दुग्ध से संबंधित है, ना कि चाय से। 26th कौन सा है, शाकनाशक, देखिए सोडियम क्लोरेट शाकनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है, इसका ए ऑप्शन कंफर्म सही है, ए सही है ये, ठीक है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है इससे संबंधित है, तो कौन सा है, मिथेन है। सौर गठबंधन का सचिवालय मुख्यालय जो भी कहें, कहां पर है ये, गुरुग्राम में है। थर्मल फ्लास्क का ऑप्शन देखिए, कंडक्शन या संचालन जो कहते हैं ये ठोस में होता है, ना कि द्रव और गैस में होता है, तो इसका संवहन विकिरण ही ऑप्शन बचा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि कहलाती है सबसे बड़ी, जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय। कैल्शियम किस में विद्यमान होता है, तो जिप्सम में होता है, CaSO4 फॉर्मूला होता है इसका, जिप्सम होता है। बाकी ये क्वेश्चन था, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं इसमें उपयोग होता है, बाकी सिल्वर आयोडाइड लिथियम बाइकार्बोनेट और दूधिया मैग्नीशिया ये सही है, बाकी ए ऑप्शन इसका गलत है, यही सही हो जाएगा। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनॉल और फ्लेवोनॉइड की वजह से होता है, ठीक है, इनकी उपस्थिति के कारण होता है, सी ऑप्शन सही है। इकोसिस्टम के संबंध में क्या सही है, तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ठीक है, उत्पादक अगर कम हो जाएगा तो उपभोक्ता कहाँ से रह पाएंगे, अगर वो ज़्यादा होंगे तो। फिर कुपोषण के संबंध में बताना है, सुपोषण ये एक्चुअली इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन है, ये इसका अलग मीनिंग होता है, सुपोषण वो खाने से संबंधित नहीं है, ये जल के न्यूट्रिशन से संबंधित है, तो इसका बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इसका 21वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न हो गए हैं, 150 में से कम मैंने 145 प्रश्नों के सही आंसर आपको दिए हैं, 140 प्रश्नों के मैंने सही आंसर दिए हैं। तो जिन 10 प्रश्नों के मैंने आंसर नहीं दिया, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कल आपको उन 10 के भी पूरे 150 के सही आंसर आपको कल तक बिल्कुल मिल जाएंगे, सेकंड पेपर का भी आपको आंसर की जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।